What's up nerds? मैं हूँ आंचल और मैं हूँ सुशांत and this is well हम secret games के second episode पे अभी बात करने वाले हैं yeah. which is titled Halala. We did a marathon because yeah one or two हम लोगों ने एक साथ देखे हैं back to back back to back हम लोग shoot भी कर रहे हैं पर episode देखते देखते एपिसोड वन हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक अपलोड कर चुके होंगे ऑफ कोर्स तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर और मेरे ख्याल से बात करते हैं कहानी आगे बढ़ी है yeah. एक चीज मेरे को और जो थॉट आया पहला कि भैया गणेश गायतोंडे मर गया है वहां पर और डे 24 शुरू है yeah. अब अगर ये लोग पर डे की कहानी लेके चलते हैं जो मेरे को थॉट आया तो ये 8 एपिसोड का सीजन है लेकिन मेरे को लगता है 4-5 सीजन होने वाले हैं मे बी क्योंकि अगर पहला दिन था वो डे 25 था उल्टी गिनती अगर ये लोग कर रहे हैं और अब डे 24 पे आए और 3-2-1 करते हुए चलेंगे तो 8 एपिसोड में मेरे को लगता नहीं है कि ये लोग आगे कभी चिटक करेंगे हाँ क्योंकि पहला पूरा एपिसोड एक ही दिन पे चला गया मे बी आगे का पता नहीं और सेकंड एपिसोड भी पूरा एक ही डे 24 पे था खैर सो I guess story और interesting हो गई है I mean यार इसका character बड़ा सही बनाया है character arc गणेश गायतोंडे का ठीक है मतलब 5 minutes आपको लगता है कि ये total villain है okay and he's like the evil of evil ठीक है और फिर तुरंत ऐसा कुछ होता है कि there's a little bit of a redemption thing ठीक है जिससे आपको लगने लगता है कि नहीं he is not all that bad उसके साथ बुरा करा तो भयंकर वो भी बदला लेगा मतलब जैसे कि वो पूरा उसने वो जलाया ठीक है बट उससे पहले उसने पूरा का पूरा बार तोड़ दिया था तो बार तोड़ दिया इसको मारा मट्ठू चला गया मतलब उसके हर एक्शन के पीछे अभी तक एक्चुअली वो रिएक्शंस ज्यादा हैं दूसरों के एक्शन पे एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाली थी मैंने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो मतलब उसने बिल्कुल ही इलॉजिकली हाँ करा हो रेज आउट कराओ सो मे बी दे आर गोइंग टू कीप इट लाइक अ ग्रे कैरेक्टर एंड नॉट कम्प्लीटली ब्लैक ब्लैक बट बाकी और देखते हैं सैफ अली खान का चल रहा है वही सवाल मेरा पहले एपिसोड में भी था सेकंड में भी है कि अभी भी कहानी जो नरेट कर रहा है वो गणेश गायतोंडे ही है तो वो कैसे कर रहा है इफ ही इज डेड ठीक है ना इफ इट्स मोर ऑफ अ I don't know. I think it's more of a beyond the grave कि आप मेरी कहानी सुनोगे, you know? It's more of कि I am not going to leave you even if I am dead. हाँ. I am not going to leave you in spirit. उस type का वो है. और एक चीज मेरे को और लगी जब सैफ अली खान वहाँ पर आता है वापस और वो बोलता है बोला ना था ना साहब मेरे कहानी आपको बिच्छू की तरह चिपक गई है. हाँ. तब मेरे को लगा हो सकता है कि गणेश गायतोंडे की जो आवाज कहानी नरेट कर रही है वो एक्चुअली कहीं सैफ की तो इनर वॉइस नहीं है जो उस वो अंदर से जो कॉन्फ्लिक्ट्स में है खुद पे वो उसको कंपेल कर रहा है बार बार थॉट और Maybe. वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है कि भैया इस बंदे ने मेरे को ऐसा मजबूर करा है और मैं वो अब ये काम करूँगा तो वो उसके अंदर का थॉट हो सकता है एक चीज ठीक है दूसरी थ्योरी मेरी कन्फर्म हो गई है मेरे को लगता है कि जो ओपनिंग है जो सीक्रेट गेम्स का सिंबल है पहले एपिसोड में गणेश गायतोंडे उसके ऊपर खड़ा था दूसरे एपिसोड में जब वो कैश निकलता है वो फोटो फ्रेम होता है वो भी सेम सिंबल था इन लोग का दैट्स कंफर्म हालांकि पहला थॉट मेरा ये था कि थोड़े थोड़े पैसे दोनों जने घर रख लो दोनों की लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएंगी उस बेचारे का इलाज हो जाएगा काटे कर का लेकिन आपको करना चाहिए थोड़ा अब बेचारे काटे कर को देख के तो मेरे को और भी दया आती है क्या कहते हैं उसको तो जीना हराम कर रखा है सैफ अली खान ने ठीक है ना हगने देता है ना कुछ और करने देता है बेचारा बाद बात पे उठ के आया था ठीक है क्या बोलूँ मैं ऐसा किसी के साथ ना हो बट आई नो राधिका आप्टे के कैरेक्टर के बारे में हमें थोड़ा सा ज्यादा जानने को मिला इस बार आई डोंट नो शी इज दे ट्राइंग टू प्ले हर ऑफ एज अ स्ट्रांग इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बट वो लग नहीं रहा मेरे को आई एम नॉट रियली गेटिंग दैट वाइब ठीक है पहली चीज से वो बहुत इमोशनली ड्रिवन है ठीक है उसको कमिंग अक्रॉस एज अ लिटिल बिट मोर वाइनी आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड हां
अभी तक मतलब वो वैसे एक ही जगह था जब वो बोलती है क्यों भाई मर्द करे औरत करे, अबे तुम एनालिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट हो, तुम्हारा फील्ड में वैसे भी इतना काम नहीं है। नॉट जस्ट दैट, आप एक क्राइम सीन पे चले गए, ठीक है, और बंदूक उठा ली तुमने, सीधा फिंगरप्रिंट वाली, एग्जैक्टली, दैट वाज एक्चुअली एन एविडेंस, ठीक है, सीधा सीधा एक एविडेंस हो सकता था, उस पे किसी के फिंगरप्रिंट हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, अगर आप एक क्राइम सीन पे जा ही रहे हो, ठीक है, ऑल्दो मेरे को समझ आता कि वो उसने खुद की सेफ्टी के लिए टेक अ वेपन विद यू, ठीक है, ऑलरेडी लेके जाओ भाई, इंश्योर करके जाओ अपनी सेफ्टी, क्राइम सीन छोड़ो, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि उसके पास खुद पे वेपन या बिना सिक्योरिटी बैकअप के वहाँ पे क्यों गई, एग्जैक्टली, उसको पता है वहाँ पे मट्टू है, उसको ये तो पता नहीं वहाँ पे शूट आउट हुआ, एग्जैक्टली, या वहाँ पे सब लोग मरे हैं, तो उसके हिसाब से तो वहाँ पे पूरा गैंग होना चाहिए था ना जिंदा, वो तो वहाँ जाके शॉक पे देखती कि अरे ये मरे हुए हैं, तो वहाँ पे वो क्या करने जा रही थी, ऐसे लड़ने सनी देओल की तरह, मैं वही बोल रही हूँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि आप एक ओपन क्राइम सीन पे गए, ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि वो क्राइम सीन है, आपको पता नहीं है, आप गैंग के अड्डे पे, कहीं भी जा रहे हो, एक्चुअली आपको ये भी नहीं पता कि गैंग का अड्डा है, आपको तो पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो, आप मट्ठू को आपने ट्रेस करा है बस, कि ये बंदा वहाँ पर है, ठीक है, और आप उसके पास जा रहे हो, और आपको पता है वो गणेश गायतोंडे का सबसे पुराने आदमियों में से एक है, आप बिना वेपन बिना किसी बैकअप जाके घुस गए, ठीक है, वो स्टूपिड इनफ, ठीक है, that was stupid enough to make me a little mad, ठीक है, but what is even stupider, वहाँ से मरे पड़े हैं और वहाँ पर एक बंदूक है जिसपे फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एविडेंस हो सकता है, एंड यू पिक दैट अप बिकॉज यू आर स्टूपिड इनफ टू नॉट गेट योर ओन गन, और ये भी नहीं क्या फटाफट ग्लव्स पहन लो, स्क्रू करो, फिर पिकअप करो, गेट अ हैंडकरचीफ, लाइक छोटा सा रुमाल, ऑल्दो मेरे को पता है पट्टा भी होता है कि वो डर गई थी तो उसने अपनी सेफ्टी के लिए बंदूक उठाई, बट येट शी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द एविडेंस, एग्जैक्टली, वो एक ट्रेंड रॉकी ऑफिसर है, आपको इन फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आप इन चीजों को जब हैंडल नहीं कर सकते, इट इज नॉट अबाउट बीइंग अ मैन और अ वुमन, ठीक है, गेट इन फील्ड एक्सपीरियंस फर्स्ट, आपको इन चीजों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, यू नो, उसके बाद आप किसी भी इनफील्ड उसमें जो है आपको पता तो होना चाहिए आपको करना क्या है वहाँ पे, एग्जैक्टली, मतलब आप इन एक्सपीरियंस के साथ एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दो, उसका फायदा क्या है, आई मीन दैट इज माय थिंग विद हर, तो मुझे अभी तक बहुत ऑसम कैरेक्टर नहीं लगा है, ठीक है, और बाकी हम देखते हैं, सैफ का कैरेक्टर अभी तक अच्छा चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसको पहला अपना एपिसोड पे वो मिला, एपिसोड कह रहा हूँ, लाइफ का बिग ब्रेक मिल गया है भैया, उसने वो कर दिया है, हालांकि उसकी कोई इज्जत नहीं, हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही वो माजिद आता है, वहाँ पीछे इशारे कर रहा था अगर बैकग्राउंड में किसी ने नोटिस करा हो तो, और परुलकर उसको बोलता है कि नहीं, बाकी मम्मी जी उसकी भी वैसी है जैसे सबकी होती है, तो सीरियसली वो बेचारा बंदा ऑलरेडी परेशान है कि मेरे केस से मुझे हटा दिया, एंड मम्मी जी इज लाइक तेरे को टीवी पे नहीं देखा, मैंने मिस कर दिया क्या, मैं क्या, हाँ मम्मी आपने मिस कर दिया आपने पूरी कहानी मिस कर दी, अब छोड़ दो, बट एनीवेज आई गेस फ्लैशबैक्स अच्छे हैं, नॉन लीनियर पैटर्न है और बहुत अच्छे से अभी तक दिखाया, आपका इंटरेस्ट लूज नहीं हो रहा है, आपको दोनों कहानियां समझ आ रही हैं कि अभी क्या हो रहा है और आपको ग्रोथ दिख रही है, अभी आपने वहां पे अब इस एपिसोड में वो दिखाया था कि मट्ठू उस समय छोड़ के चला गया था, अभी गणेश गाय को अंडे कैसे बना, बेसिकली हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, फ्लैशबैक्स में कि जब वो कुछ नहीं था फिर उसने कैसे कैसे उसे मारा, गोल्ड बार्स लिए, कैसे कैसे वो लोग कॉन्टेक्ट में आया, एवरीथिंग, ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, वाला था पहले तो, फिर वहां पे वो चीता आया था, चीता क्या कहते हैं, चीता तो नहीं था वो वैसे, हां इट वाज मोर लाइक लेपर्ड या, एंड आल्सो जोया का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, आई मीन व्हाई शी वाज सो शॉक्ड, और उसका डायनामिक इतना अच्छा लगा, वहां पे मैगजीन पढ़ी उसमें लिखा रहता है I don't need no godfather. सेल्फ रेड मोमेंट, और यहाँ पे तुम डर रहे कि साला मैं सबके नाम बाहर कर दूंगी, अगर मेरा नाम बाहर आया तो इसका मतलब बॉलीवुड भी इन्वॉल्वड है इस बार. Not as self-made as you know you proclaim. और साथ साथ उसका और करण वाही, I guess उन लोग का भी कुछ equation, I guess वो दिखाया कि कैसे
आपके हीरो हीरोइन बॉलीवुड वाला दिखाया उन लोगों ने बेसिकली कि हीरो हीरोइन की बनती नहीं है लेकिन कैमरा के लिए स्माइल कर ये व्हाट इज विद द रणवीर थिंग आई डोंट नो वो ब्रह्मास्त्र का रेफरेंस है मेरे ख्याल से रणवीर की वो सीरियसली सीरियसली गेटिंग रियल लाइफ पीपल इनटू दिस मे बी आई मीन ठीक है वो मतलब उसे ऐसे कर देता है एकदम से क्यों रणवीर के साथ सुपर हीरो फिल्म कर रहे बाय द वे जिनको नहीं पता रणवीर कपूर इस समय करंटली सुपर हीरो फिल्म कर रहा है आलिया भट्ट के साथ आयान मुखर्जी उसे डायरेक्ट कर रहा है दैट्स अ ट्रिलॉजी जो धर्मा प्रोडक्शंस प्रोड्यूस करी है इट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र फिल्म में मोहिनी रॉय अमिताभ बच्चन और नागा अर्जुन भी है तो ये एक रियल लाइफ कनेक्शन लगा मेरे को एंड आई वाज अ लिटिल शॉक्ड बाय दैट आई वाज लाइक कि मे बी मेरे को भी एक्चुअली ये लगा कि कहीं ये कैरेक्टर्स के रेफरेंस तो नहीं है अब जैसे कि जोया मिर्जा मेरे को लगा थोड़ा थोड़ा जैसे वो शायद कटरीना कैफ से इंस्पायर्ड रोल है मतलब ऐसा कुछ दिखाया नहीं है अभी तक बट जोया मिर्जा जिस तरह का उसका नाम है और जिस तरह से जिस सेक्शन में वो बात कर रही थी तो मेरे को लगा शायद ये कटरीना जैसा ना हो ठीक है और क्योंकि रणबीर और कटरीना का भी अभी ब्रेकअप हुआ है तो हो सकता है वो जोड़ के दिखा दिया हो कुछ ऐसा वैसा नॉट श्योर मे बी पॉसिबल कि क्या है बट मुझे बस आई वाज लाइक ओके दे आर डूइंग दैट और आई थिंक दैट्स ऑल दैट हैपेंड और ये करेक्ट मेरे को लगता है सुरवीन चावला ऑफ कोर्स वापस आएगी उसका इतना सा रोल नहीं था जैसा कि मैंने कहा उसके घर से कैश मिला था ये आने वाले एपिसोड में उसकी कहानी इंट्रोड्यूस तो होगी कहीं ना कहीं से तो लिंक्ड अप है ही कि कहां ये इतना कैश क्यों था इसके पास और वो भी कोई बड़ी खिलाड़ी रही होगी पक्का तो लेट्स सी इन्होंने सुलेमान ईसा को इंट्रोड्यूस कराया लाइक आई थिंक ही इज गोइंग टू बी लाइक सम बिग शॉट इवेंचुअली मे बी शायद दाऊद इब्राहिम टाइप जो उस समय इसको ये ऑब्वियसली गणेश गायतोंडे टेक ओवर करेगा बी थ्रोन करके उसके थ्रोन पे बैठेगा बेसिकली वही तो यू नो वो है लाल गाड़ी और वो पुराना थोड़ा स्टील हिज कार एंड स्टील हिज गर्ल इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट वो तो रहेगा ही मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट क्योंकि उसने प्रीटी श्योर उसको वो करता है कि वो तो मेरे ख्याल से पहले एपिसोड में दिखा दिया था कि उसकी लाल गाड़ी ये चुपती थी मेरे को वो चाहिए थी जब वो नॉनवेज खा रहे थे सीन में तो अभी देखते हैं ईसा का भी ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया बस ये दिखाया कि इसने गैंग बना लिया है दो भैया को अंदर ले लिया है वो आंटी आंटी का भी करेक्टर मेरे को अच्छा लगा मैं नाम भूल गया क्या था कांता भाई शायद कांता बहन या कांता भाई ऐसे कुछ नाम था तो वो भी अच्छा था ठीक है एक्चुअली वो इट इज मच मोर फार बेटर और इम्प्रेसिव कैरेक्टर है राधिका आप्टे से अगर आपको दिखाना है कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वूमेन जो ऐसे टफ माहौल में ऐसा बिजनेस चलाती है और वो उसको रूल करती है ठीक है तो वो इट वाज वो थी एकदम बैड एज जो कैरेक्टर इन लोगों ने दिखाया है मतलब आप यू नो यू आर नॉट मेकिंग अ लायबिलिटी ऑफ योरसेल्फ बेसिकली आपको पता है आप कितना हैंडल कर सकते हो और आप उसे वेरी कर रहे हो कामली हैंडल कर रहे हो और इसीलिए गणेश भी देखो उससे आता कभी लड़ता नहीं बढ़ता नहीं है उससे कभी ठीक है ना कहीं उसके मन में भी तो होगा शी नोज़ हर शिट भाई और ऐसा नहीं है कि भैया आप जैसे उसकी दुकान तोड़ दी अब वो कमजोर तो थी नहीं लेकिन क्योंकि वो 10 गुंडों से नहीं लड़ सकती ऑब्वियसली बात है तो वो हाथापाई नहीं करेगी लेकिन उसके पास इंटेल है जानकारी है और उसके पास गणेश गए तो देखो सब मरे हुए हैं अगर वहाँ पे बाद में उसने बोला तो था गणेश ने अपने उसमें भी कि ऐसे नहीं नहीं आने वाली थी उसने भी अपॉर्चुनिटी देखी भाई और कांदा भाई को भी यू नो बिजनेस दिया और बहुत सारी चीज़ें हुई तब जाके कांता भाई समझ दी कि अगर तेरे को ऊपर जाना तो तेरे को डेयरिंग करनी पड़ेगी और वहाँ से उसको वो पुश मिलता है कि डेयरिंग करके कुछ मैं बड़ा स्टेप लूँ मेरे ख्याल से अभी तक ये इसका पहला नहीं पहला तो नहीं लेकिन हाँ मेजर वो था बड़ा कांड अभी तक उसने छोटा मोटा ही सब करा है कि एक होटल बंद करवा दिया वहाँ पे उसको मार दिया सलीम काका को मार दिया और ये इसका पहला मेजर होता कि पूरा वो शॉट भी मेरे को बहुत अच्छा लगा जब वो दूर से दिखाया था बोट में पीछे आग ही आग लग रही है भाई देखो उसने सही मतलब ऑलमोस्ट सही तरीके से सब करने की कोशिश करी थी कि मुझे 10 प्लॉट चाहिए मुझे खरीदने दो ठीक है उसको दिए नहीं उसको मारा पीटा पुरल कर आके धमकाता उसको
इससे पता लगता है एक्चुअली पुरलकर भी हो सकता है इसमें आगे इन्वॉल्व हो. अच्छा, क्योंकि now इसी में he's kind of looking more and more corrupt. हाँ, क्योंकि अगर वो उसके जो मोमिन शायद नाम था मोमिन भाई उसके लिए अगर वो काम कर रहे थे उसका मतलब तो वो करप्ट ही है. और वो he's trying to cover up कि क्या वो पीएम था ना जब ही पीएम नहीं होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ठीक है सॉरी पीएम पीएम That's going to happen. नहीं नहीं होम मिनिस्टर भी नहीं था पता नहीं शायद सीएम ही था सीएम आई गेस इट वाज द सीएम ठीक है क्या भोसले भोसले जो है बेसिकली वो उससे बोलता है कवर अप करने के लिए एंड ही इज मोर देन रेडी कि हाँ सर आप टेंशन मत लो है ना क्योंकि तो अब मुझे लग रहा है कि वो इतना वाइट कैरेक्टर है नहीं. हाँ, क्योंकि उसने भी कुछ ना कुछ तो करा है और वही मंत्रियों का हमेशा वही रहता है कि भैया ट्रांसफर आ जाएगा तेरा नक्सल वाले इलाके में तो उसको भी लगता है कि नहीं यार मेरे को बॉम्बे में ही रहना है. प्लस एक और कैरेक्टर ऑन दैट नोट भोसले से मेरे को याद आया त्रिवेदी का इन लोगों ने बात करी है कि सब त्रिवेदी पहले ही बात करी थी एक्चुअली. हाँ, लेकिन त्रिवेदी भी आया था बट अभी तक कैरेक्टर रिवील नहीं हुआ रिवील ही नहीं करा है कौन त्रिवेदी क्या त्रिवेदी. दो एपिसोड से पूरा उसके ऊपर इन लोगों ने त्रिवेदी बच जाएगा. हाँ, और त्रिवेदी कौन है क्या अब वो बोलता है कि क्या ये अपना ही त्रिवेदी है तो इसका मतलब गणेश गायतोंडे पारुलकर भोंसले और ये त्रिवेदी कहीं ना कहीं से तो लिंक्ड है कि जो इन्होंने आगे कहानी में कराए. अगेन एपिसोड बहुत ही वेल डायरेक्टेड था मेरे को बहुत मजा आया. एक चीज मेरे को ये भी अच्छी लगी कि इन लोगों ने लोकल डायलेक्ट्स यूज कराए मतलब लोकल लैंग्वेजेस ठीक है जो मराठी लोग हैं वो मराठी ही बोल रहे हैं. हाँ, अपने जैसे उसके काटेकर के घर का सीन था वहां पे हिंदी क्यों बोलेंगे भाई वो दो मराठी लोग हैं अपने घर में रहते हैं उनकी मातृभाषा है वो उसी में बात कर रहे हैं आपस में है ना. मुझे ये अच्छा उसी तरह जब सैफ अपनी मम्मी से बात करता है तो पंजाबी में बात करते हैं. मैं वही बोल रही हूँ कि ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि इन्होंने हिंदी ऑडियंस को पैंडर करने के लिए एक्चुअली हिंदी नहीं बुलवाई है. पैन इंडिया वो है सीरीज कि जो जहाँ का करेक्टर हो वैसी भाषा बोल रहा है सिंपल एज दैट. हाँ, मतलब आप जो नॉर्मली बोलोगे आप वैसे बात कर रहे हो है ना. भाई एक मराठी मराठी घर बार है उसमें आप मराठी में बात करोगे ना नीचे सबटाइटल्स है सबटाइटल्स है सबके लिए तो वो भी अच्छा लगा मेरे को. और क्योंकि अब हम लोग बॉम्बे में रहने लग गए हैं तो मराठी भी समझ आती है और क्योंकि एक्चुअली मराठी मेरे को ना सबसे इजी लैंग्वेजेस में से एक लगती है पढ़ने के लिए खास करके. उसके पूरे फॉन्ट जो है हिंदी वाले हैं तो जो हिंदी पढ़ सकते हैं वो मराठी पढ़ सकते हैं बहुत ईजी है. कुछ लोग मराठी बहुत तेज एक्सेंट में बोलते हैं तो आप समझ ना पाओ लेकिन अगर कोई बंदा आराम आराम से मराठी बोल रहा है या नॉर्मली स्पीड में मराठी बोलेगा तो आप उसे समझ पाओगे थोड़े समय में वो ईजी है. ठीक है, जैसे जिस तरह हम लोगों को यस आई नो You've been here too long. मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है मुझे भी नहीं कुछ समझ आता. नहीं नहीं मेरे को आ जाता है जैसे जिस तरह अब हम लोग पंजाब में नहीं रहे लेकिन पंजाबियों के आसपास रहे हाँ. तो पंजाबी समझ आ जाती है हम लोग को आराम से तो वैसा ही सीन है. तो मेरे को तो पंजाबी भी समझ आ रही थी और मराठी भी समझ आ रही थी right. और ओवरऑल जैसा कि मैंने कहा बढ़िया एपिसोड है. बोर अभी तक आप बोर नहीं हुए ये भी एक घंटे का एपिसोड था करीब करीब लेकिन आप कहीं बोर नहीं हुए Which is very good. इतना fast-paced story चल रहा है और इतना intriguing story चल रहा है ना मतलब fast-paced नहीं है actually intriguing है कि आपको bore नहीं करता drag नहीं कर रहा बांध के रखा हुआ है. आप जब तक एक riddle को solve करते हो तब तक एक दूसरा character आ जाता है और उसका भी आर्क उतना interesting है ठीक है and then you're like okay इस character के साथ क्या हो रहा है you know मतलब आपने जैसे ही आप गायतोंडे के आर्क के को आपने सेटल किया दिमाग में तभी जोया का आर्क आ गया. ओके दिस इज अ न्यू कैरेक्टर ये भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और वो इसकी क्या कहानी है क्या कैसे कनेक्टेड है अभी तक कुछ नहीं पता बस इतना पता है कि बॉलीवुड भी इसमें कनेक्टेड है तो अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का वैसे भी बहुत पुराना रिश्ता रहा है कनेक्शन तो है ही. ठीक है तो सो देखते हैं आगे क्या रहता है कैसा रहता है. बाकी आप बताओ आप लोग को कैसा लगा. आई थिंक हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए. आई डोंट थिंक वी आर मिसिंग एनी पॉइंट फ्रॉम एपिसोड 2. Immediate tell us क्या हमने मिस करा है. Yeah, keep the discussion going in the comment section below. और तब तक के you know what to do. Subscribe our channel, like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram. और तब तक के लिए घंटा बजाएं regular updates के लिए. Bye bye.